दोस्तों मेरे पास एक ये 24 इंच का बोर्ड आया था टेक्नीशियन का, जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कल मेरे से एक दो बार फ़ोन पे भी बात की थी। तो ये इसमें ये 565 वाला मॉड्यूल लगा रहे थे, लेकिन इससे सप्लाई बढ़ नहीं रही थी, इसकी सप्लाई बर्न थी और PWM वगैरह सारे इसके जड़े हुए हैं। इन्होंने ये लगाया, लगाने के बाद में इनका फ़ोन आया कि स्विचिंग कर रही है सप्लाई, तो ऑटो कपलर वगैरह इनको मैंने बताया तो वो सब चेंज करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। तो आज ये बोर्ड लेके मेरे पास आ गए। अब जब मैंने इसमें देखा तो मैंने भी ये मॉड्यूल एक बार लगा के कोशिश की, लेकिन वही सप्लाई जंपिंग कर रही थी, स्टेबल सप्लाई नहीं आ रही थी, 12 वोल्ट अप डाउन हो रही थी। तो आजकल एक ये सर्किट आया है ट्रेंड में, ये सर्किट मैंने लगाया और ये इसके साथ में मॉस्फेट लगा दिया, लगा के और जब इसको फिट किया तो इसमें भी सप्लाई सेम ब्लिंकिंग कर रही थी। फिर मैंने जब इसको चेक किया तो इसके ऑटो कपलर में जो 3 नंबर पिन पे जा ग्राउंड होती है, वहाँ पे जो ग्राउंड वाला ट्रैक है ना, वो पहले वाली पुरानी PWM के थ्रू आ रहा था, तो वो ट्रैक जला हुआ था, जिस कारण से ये ऑटो कपलर को नेगेटिव सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो ये मैंने जम्पर लगा के इसमें नेगेटिव सप्लाई लगा दी, दिए देने के बाद में, और ये सर्किट इसका चल गया एकदम ओके, टनाटन 12 वोल्ट आ गए। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार इसमें वो पुराने वाला 565 वाला मॉड्यूल फिर लगा के देखते हैं। अब मैंने ये 565 मॉड्यूल लगाया ये अर्थिंग करने के बाद में, तो अब इसमें भी 12 वोल्ट एकदम फिक्स आ रहे हैं। ये इसका रेड इंडिकेटर भी आ गया और ये 12.40 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्टेज भी एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं और ये ऑन भी हो रही है। और इस तरह से ये जो हमारा फॉल्ट निकला है, जो इसकी नेगेटिव ना मिलने के कारण निकला है, और 24 इंच के अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसी IC या तो इस एरिया में लगी होती है या ऊपर वाले एरिया में लगी होती है। इसकी जो 3 नंबर पर नेगेटिव सप्लाई आती है ना, वो इसी के थ्रू घूम के आती है, तो ये ट्रैक कई बार जल जाता है बीच में से, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। एक दो बार पहले भी इस तरह के मैंने फॉल्ट निकाले हुए हैं इसमें, तो जब भी आप ये इस तरह की प्रॉब्लम आए तो एक बार ये नेगेटिव ज़रूर चेक कर लो इसका। थैंक यू दोस्तों।